नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट अचीव हुआ था, ये वीक में मेरा निफ्टी का टारगेट अचीव हुआ। जैसे कि निफ्टी का मैंने टारगेट दिया था 18,100 आएगा, तो 18,090 के आसपास आके 18,050 में बंद हुआ। अभी टारगेट तो अचीव हुए, बैंक निफ्टी में बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ, अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसमें आपको वन साइड तेजी आई है, तो ये तेजी में हमको यहाँ से तेजी करनी है कि यहाँ पे रुक जाना है या नीचे आने का राह देखना है, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी जिन्होंने तेजी की ही नहीं, उनको यहाँ पे बाय आने के बाद लेने के लिए अगर आप बोलोगे लेने के लिए, तो बोलेंगे यार इतना ऊपर मैं कैसे लूँ, थोड़ा तो नीचे आने दो। और मार्केट ये है कि मार्केट तो नीचे आने का नाम ही नहीं लेता है। तो जैसे कि हम लोग अगर सोचते बैठते हैं तो अपना काम होता नहीं है। अभी ये सब बातें जो है ये माइंडसेट की बातें हैं कि आपको कैसे काम करना है। अगर कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स को बहुत थरोली फॉलो करता है तो फिर वो कोई भी लेवल पे बाय आ जावे तो बाय करके वो काम कर लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करते हैं। फिर वो सोचते नहीं है कि मार्केट का क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन 99% पब्लिक सोचने पे मजबूर हो जाती है कि इतनी बड़ी रैली आने के बाद करना क्या है। तो अभी आगे आज के वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि निफ्टी बैंक में अभी क्लोजिंग में 43,233 आई हुई है निफ्टी बैंक की क्लोजिंग, और ऑलमोस्ट 43,300 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब एक्चुअली देखा जाएगा तो ये जो ऑल टाइम हाई से, निफ्टी बैंक के ऑल टाइम हाई से अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल जो है वो अब तक क्रॉस नहीं हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे अपवर्ड एंगल को जस्ट उसने टच किया हुआ है। और जैसे कि यहाँ से मैंने नीचे के बॉटम से गैन फैन डाला हुआ है, ये गैन फैन मैंने अपवर्ड एंगल को, मतलब बॉटम के अपवर्ड एंगल को मैच करके डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4x1 का जो एंगल है वो एंगल के ऊपर फर्स्ट बार है। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि जैसे मेरा कहना ये रहता है कि 1/4 के ऊपर हमको फ्रेश बाय मिल जाता है, एक चीज़। सेकेंड चीज़, ये जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है ऑल टाइम हाई से, अगर उसके ऊपर निकल जाएगा तो सेकेंड बाय कंफर्मेशन आ जाता है। और उससे पहले कंफर्मेशन मुझे ये मिला है कि ये जो ये लो के नीचे ये लो जो मारा है उसका अपवर्ड एंगल, उसके बीच का जो हाई है वहाँ से अपवर्ड एंगल डालने के बाद यहाँ पे ये सेकेंड कैंडल के ऊपर निकला हुआ है। तो अभी कंडीशन ये है कि ये अपवर्ड एंगल ने यहाँ पे बाय कंफर्म कर चुके हैं, आगे की प्रोसीजर बाकी है। मेरा सिर्फ कहना यही है, इसका मतलब ये है कि आगे चल के यहाँ पे कितना टाइम बताएगा वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाय हो चुका है। और ये बाय जो है ये हमको हाई टूटने का, मतलब हाई क्रॉस करने का हमको गारंटी दे रहा है। और ये जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, वो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको एक मिनट, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो करीबन 45,100 की तरफ रहेगा। मतलब हम लोग मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि 45,000 का टारगेट के लिए अभी ये बाय हो चुका है और यहाँ से हमको आगे चलना है। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि लेना कहाँ पे। अब यहाँ से आपको अगर आप लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा, एक चीज़ स्टॉप लॉस जो है मेरे हिसाब से, एक मिनट,
सॉरी टॉप लॉस जो है आपको कोई भी हाल में 42,400 के नीचे या तो 42,300 पकड़िए, 43,300 के नीचे ये कोई भी हाल में इसने जाना नहीं चाहिए और तब तक हमको 45,000 का टारगेट मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि नीचे 1,000 और ऊपर 2,000, 1:2 के रिक्स में ये सौदा है। ओके, अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको थोड़ा सा एलोब्रेट करता हूँ। जैसे कि मैं सेकंड कैंडल हमेशा बोलता हूँ, वैसे ये 1/4 के ऊपर भी सेकंड कैंडल काम करती है और ये एंगल के ऊपर भी सेकंड कैंडल काम करती है। तो शायद हमको 43,500 के करीब थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, सेलिंग प्रेशर हमको महसूस हो सकता है और वहाँ से नीचे आने के बाद एक करीबन ये 1/4 के अंदर मार के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो 42,800 से 42,900 तक हमको एक ऊपर जाने के बाद एक नीचे आएगा, तभी मौका मिलेगा बाय का, तो तभी बाय करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी के बारे में जैसे बताया कि ऑल टाइम हाई से ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो चुका है। मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे ये 1/4 के ऊपर है तो ये तेजी में ही है। इसके बाद अभी तीसरा जो कंफर्मेशन है, ये तकलीफ है कि यहाँ से ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद अपवर्ड एंगल का जो हाई है, हाई का अपवर्ड एंगल जो है वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है और वो जो है वो 18,150 की तरफ है। अब यहाँ पे तकलीफ एक है कि निफ्टी ने अब तक प्रॉपर बाय नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये डाउनवर्ड एंगल ने बाय कंफर्म किया हुआ है। वो डाउनवर्ड एंगल का बाय कंफर्म कभी होगा तो ये कल का जो हाई है ये हाई के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो हमारा ये हाई तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये अपवर्ड एंगल का हाई तब तक कंफर्म नहीं होगा जहाँ पे दो सेकेंड कैंडल का कंडीशन है। तो वही सेकेंड कैंडल का कंडीशन हमको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है और ये सेकेंड कैंडल का कंडीशन और बैंक निफ्टी का सेकेंड कैंडल का कंडीशन ये थोड़ा हमको सेलिंग प्रेशर वहाँ से आने का चांसेस रहेगा। तो निफ्टी में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जब तक 17,700 नहीं टूटता है तब तक हमको सेलिंग का सोचना नहीं है, तब तक बाइंग का सोचना है। निफ्टी में अपवर्ड टारगेट जो है वो अंदाज से फर्स्ट टारगेट हमारा 18,614 और करीबन मैं आपको एक बात बोलूँगा कि 19,000 तक का टारगेट हमको मिल सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वापस हमको हाई की तरफ जाने के बाद यहाँ से हमको वापस एक बार सेलिंग प्रेशर महसूस हो सकता है। तो मोटा मोटी ये है कि यहाँ से 18,150-200 यहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर आएगा, 17,700 ये सपोर्टिव जोन रहेगा, इसके बीच में थोड़ा सा टाइम पास करके बाद में ये ऊपर निकलेगा और उसका टारगेट जो है 18,800-18,900 की तरफ रहेगा और वो जो है वहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमको आ सकता है। तो अभी भी मैं ये बोलूँगा कि बैंक निफ्टी ड्राइविंग सीट पे है, वो टॉप क्रॉस कर सकती है। निफ्टी जो है अभी तक टॉप क्रॉस कर सकती है, लेकिन शायद निफ्टी को टॉप के आसपास सेलिंग प्रेशर महसूस हो सकता है। तो ये वीक के लिए मैंने आपको जो बताया वो आप समझ के लीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नए व्यूअर है तो अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल क्या है ये समझ के लेने के लिए आप प्लीज़ आप पीछे के वीडियो रेफर कीजिए और वहाँ से आप समझ के लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपवर्ड एंगल और ये डाउनवर्ड एंगल क्या है, वो आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, हैप्पी ट्रेडिंग वीक मैं बोल सकता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।